शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेंसिंग हो गई है जतिन। हाँ महेश साहब, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। पिछले महीने 3 लोगों की मौत हो गई थी उस चीते की वजह से। उम्मीद है अब यहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ क्या हुआ, किसी की आवाज सुनी क्या? नहीं तो जरूर तेरा बहन होगा। हाँ बहन ही होगा, क्या थकान हो गई। अब चल के घर के आराम से सोऊंगा। क्या हुआ? अरे सुन तो, अरे क्या हुआ सुन तो, अरे सर, ये जंगल तो बहुत बड़ा है, या उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? अरे यार, अभी जंगल के अंदर घुसे भी नहीं, तुमने रोना शुरू कर दिया। जंगल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, 4-4 CID ऑफिसर्स है यहाँ। उस लड़की को ढूंढेंगे भी और बचाएंगे भी। तुम और श्रेया इधर जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। चलो श्रेया। सर मैं यही रुक जाता हूँ, यहाँ पे नजर रखता हूँ। ठीक है, कोई जानवर दिखाई पड़े तो बता देना। सर मैं आ रहा हूँ। मैंने सुना है इन जंगलों में बहुत शेर, चीता और हाथी होते। ठीक सुना है। सर, अगर शेर आ जाए तो? शेर आ जाए तो पहले बोलना अर्ज किया है, फिर बाबा। बाबा? सर मैं समझ गया, आप शेर को शेर सुनाने की बात कर रहे थे ना। उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ सर आ रही है। चलो रुक जाओ ना, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। सर लगता है गोली वहां से चलने वाली है। सर क्या हो गया आपको? एक सेकंड रुकिए, मैं दया सर को फोन करता हूँ। अरे यार, दया सर को फोन करके क्या बोलोगे कि अभिजीत के फोन का रंग लाल नहीं गुलाबी है? गुलाबी? सर आपका खून गुलाबी है? ये खून नहीं है, ये पेंट बॉल है।
लगता है जंगल में पेंटबॉल का गेम खेला जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेंटबॉल खेल रहे हो तुम लोग? हाँ, मगर आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम में से किसने हमें फोन किया था? एक लड़की की जान खतरे में? नहीं सर, हम लोग तो यहाँ पिकनिक मनाने आए सर। तुमको सीआईडी को कॉल करेंगे सर। तुम लोगों के साथ यहाँ कोई लड़की भी है? नहीं सर, हमारे साथ कोई लड़की नहीं है। ठीक है, संभाल के खेला करो यार, इधर उधर मार देते हो। अगर इन लोगों ने फोन नहीं किया फोन किया किसने हमें? आदमी की लाश है। हमें किसी औरत ने फोन करके कहा था कि उसकी खुद की जान खतरे में है। अब ये क्या चक्कर है? सर, यूनिफॉर्म से लगता है कि ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। इसके शरीर पे जो घाव है उसे देख के ऐसा लगता है कि इसे जंगली जानवर में इस पे हमला किया। सर, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अच्छी तरह पता होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर ये जंगली जानवर के शिकार कैसे हो गए? वही तो, अगर किसी जानवर ने मारा इसे तो जानवर ने लाश को खाया क्यों नहीं, मार के छोड़ क्यों दिया? सर, हो सकता है ये खून किसी इंसान ने किया, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए ऐसे निशान छोड़ दिए जिससे ये लगे कि किसी जानवर ने अटैक किया है। हाँ, ये बात तो है। इसके शरीर पे कोई अलग तरह का चोट का निशान भी नहीं दिख रहा है। जेब भी खाली है, मोबाइल फोन नहीं, पर्स नहीं। सर, कहीं ये खून लूटपाट के इरादे से तो नहीं किया गया? अब लूटपाट के लिए किसी इंसान ने इसका खून किया है या फिर किसी जंगली जानवर ने, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में फोन करो, तब तक मैं अभिजीत को फोन करता हूँ। लगता है हमारे साथ मजाक किया गया है। वहाँ कुछ लड़के पेंटबॉल खेल रहे हैं बस। अभिजीत, यहाँ एक लाश पड़ी है, लगता है कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है। किसी जानवर ने मारा है क्या? शायद। बॉडी वैसी की वैसी है, खाया नहीं। यही बात समझ में नहीं आ रही है बॉस। सर, हमें पेंटबॉल खेलने वाले ग्रुप को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए कि यहाँ पे एक जंगली जानवर घूम रहा है। हाँ, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, वो श्रेया फोन कर रही है। ये श्रेया कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। श्रेया, श्रेया। सर, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, नेटवर्क ढूंढने गई होगी। पंकज, एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, तब तक हम श्रेया को ढूंढते हैं। ओके सर। श्रेया, 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 श्रेया।
ये तो उन्हीं लड़कों में से एक है जो अभी अभी पेंटबॉल खेल रहे थे पीछे। इसे भी ठीक वैसे ही मारा है जैसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर को। इस जंगल में हो क्या रहा? क्या ये ग्रीन कलर क्या है? पेंट तो नहीं लगता, कुछ और ही है। हाँ ये क्या है? ये तो डॉक्टर सारंग के ही बताएंगे। अभी श्रेया की जान को खतरा हो सकता। श्रेया, 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 अरे यार क्या सर, अभिजीत सर को इतनी देर क्यों लग गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सर, सर, सर श्रेया मिली? नहीं अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली? कहाँ गई होगी सर? आप यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? जी हाँ सर, मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, हमें यहाँ जंगल में दो लाशें मिली है। एक तो शायद आपके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की है और दूसरे जंगल में पेंटबॉल खेलते किसी लड़के की। क्या वो मर गया? सर उसके साथ का जो था वो हमारे डिपार्टमेंट का था, उसे हमने ही अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सर ये सब क्या हो रहा है? इस जंगल में कोई जानवर आ ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है सर। नामुमकिन? सर एक्चुअली पिछले महीने यहाँ पर 3 हादसे हुए थे, उसके बाद पूरे जंगल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई थी ताकि यहाँ से जानवरों को दूर रखा जाए। लेकिन सर यहाँ जंगली जानवर ही क्या, यहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं आ सकते। अरे बाप रे, इसका मतलब ये दो खतरनाक खून एक आदमी ने किए। पंकज एक काम करो, नेटवर्क के एरिया में जाओ, बाहर जाओ और सारुंगे साहब को फोन करके बोलो कि हम लोग 2 लाशें भेज रहे हैं। ओके? ये आवाज कैसे? सर ये किसी जंगली जानवर की आवाज तो नहीं है। आप जरा पंकज के साथ रहिए, हम लोग देखते हैं। चलिए तो दया सर का फोन लग रहा है ना। अभिजीत सर का, श्रेया का फोन ही बंद आ रहा है सर। वैसे भी मोती डूंगरी का जंगल बहुत घना है, शायद वहां पर नेटवर्क ही ना हो। बड़ी अजीब बात है सर, अगर उस जगह पर फोन का नेटवर्क नहीं है तो उस लड़की ने वहां से हमें फोन कैसे कर दिया? सर हो सकता है वो फोन कॉल कोई साजिश हो हमारे ऑफिसर्स को फंसाने की। पूर्वी काम करो, उस लड़की ने जिस नंबर से फोन किया था पता लगाओ वो किसका है और कहां से फोन किया था। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। हमारे ब्यूरो में अभी कुछ देर पहले एक कॉल आया था, नंबर लिखिए 1555-400090। आप बता सकते हैं नंबर किसका है और ये फोन कहां से आया था? जी ओके। और ये नंबर कहाँ का है? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। सर जिस लड़की का फोन आया था उसका नाम जेनी है। जेनी? और फोन कहाँ से आया था? सर हाईवे नंबर 25 से। हाईवे नंबर 25? हाईवे नंबर 25 तो मोती डूंगरी जंगल से दूर है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं हमारे ऑफिसर्स के साथ कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होने देंगे हम फ्रेडी, हमारे लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। पता लगाना पड़ेगा ये जेनी रहती कहाँ है और करने क्या गई थी हाईवे नंबर 25 पर। नेटवर्क नहीं आता है क्या? नहीं, इसके लिए आपको मेन रोड पे जाना पड़ेगा। आ? अच्छा ठीक है, मैं वहां जाकर फोन करके आता हूँ, आप यहीं रुकना, कहीं जाना मत। जी
श्रेया अभी यहाँ पे कोई तो था, कहाँ गया? जाएगा कहाँ? यहीं कहीं आसपास होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। डोंगरी के जंगल में जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। आइए सर, क्या पियेंगे? कॉफी? नहीं, हम यहाँ कॉफी पीने नहीं आए। तो कोई बात नहीं सर, चाय पी लीजिए। यहाँ की ग्रीन टी लोगों के दिलों को बहुत सुकून पहुँचाती है। फिलहाल तो हम समाज को जुर्म से सुकून दिलाने की कोशिश में लगे। सीआईडी। सीआईडी? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अक्सर लोग हमें नहीं पहचानते। अच्छा, आपके मैनेजर साहब कहाँ, जरा बुलाओ। मैनेजर साहब रिसेप्शन पे आइए ना सर, आइए। सर सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। सीआईडी यहाँ पे क्या हुआ सर? आपके कैफे में जेनी नाम की एक लड़की काम करती है। अब सर जेनी काम करती है नहीं, काम करती थी, वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। क्या 2 महीने से लापता? तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो गई कहाँ है? सर बहुत पता करने की कोशिश की, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो में रिपोर्ट भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर आप जेनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले हमें फोन किया, हमसे मदद मांगी। उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है। क्या? तो सर आप जाकर उसकी जान क्यों नहीं बचाते? क्योंकि झूठ कहा उसने हमसे। उसने कहा कि वो मोती डुंगरी के जंगल में, जबकि उसने हाईवे नंबर 25 से हमें फोन किया था। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने कभी जेनी के मुंह से मोती डुंगरी के जंगल का नाम सुना था? नहीं सर, जेनी के मुंह से कभी मोती डुंगरी के जंगल या फिर हाईवे नंबर 25 का नाम नहीं सुना। कभी उसने सीआईडी के बारे में कोई बात की? नहीं सर, कभी नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी? कभी किसी कस्टमर या स्टाफ मेंबर के साथ कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। थैंक यू। ये जेनी किसी की साजिश का शिकार हुई या फिर सीआईडी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही, ये तो मोती डुंगरी के जंगल जाके ही पता चलेगा। Oh,
पता नहीं इस जंगल में मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे होने वाली मौतों का राज पता चल जाएगा। अब ये केस सीआईडी के हाथ में आ गया है। आराम जाइए। अकेला हो गया था मतलब? अभिजीत सर, दया सर, श्रेया सब कहाँ गए? ये जंगल देखिए सर, ये बहुत घना जंगल है। यहाँ पे दो दो लाशें मिली है बहुत भयानक हालत में, और श्रेया श्रेया गायब हो गई है सर। अभिजीत सर और दया सर उसे ढूंढ रहे। ऐसे कैसे गायब हो गई? पता नहीं सर, शायद मोबाइल में नेटवर्क देखते देखते कोई ऐसे कोने में चली गई हो जहाँ नहीं जाना चाहिए था। जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, देखे तो जंगल में ऐसी कौन सी जगह है। लेट्स गो। ये सब मेरी गलती है अभिजीत, मुझे श्रेया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि श्रेया गायब हो जाएगी। श्रेया को कुछ हो गया ना अभिजीत, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा श्रेया को, हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। श्रेया,
सर आप लोग? तुम लोग थे? हमें लगा वो खून ही है। सर दो दो खून किए उसने, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा, भाग गया होगा। नहीं पंकज, हमें नहीं लगता, खूनी अभी भी जंगल में कहीं है। लेकिन टेंशन इस बात की है, श्रेया अभी तक नहीं मिली है। कोई बात नहीं सर, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, श्रेया जल्दी मिल जाएगी। पंकज, सारुके साहब को फोन कर दिया था ना तुमने? नहीं सर। क्यों? सर आपने कहा था कि लाशें भिजवा दो, तो मैंने वो कर दिया था सर। तुम भी ना पंकज, आधा अधूरा काम करते हो। सॉरी सर। खैर अभी श्रेया को ढूंढते हैं, चलो। मुझे अगले महीने छुट्टी चाहिए। क्यों? सेठ गांव जाना है। अभी होली पे तो गया था गांव। अरे सेठ होली तो 4 महीने पहले चली गई। वही तो कह रहा हूँ, 4 महीने पहले गया था, अब दिवाली पे जाना। मगर सेठ, अगर मगर कुछ नहीं, जो हमने कह दिया समझो उस बात को। आइए आइए साहब, चाय लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, चाय रहने दो। तुम इस फोटो को ध्यान से देखो साहब। इस लड़की को तो नहीं देखा? क्यों, आपकी पड़ोसी या रिश्तेदार है? नहीं नहीं, दोस्त रिश्तेदार नहीं है, हम लोग सीआईडी से। हमें शक है कि इस लड़की को अगवा किया गया। अगवा? तुमने देखा इसे? नहीं साहब, मैंने ये मैडम को तो पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अगर ये लड़की आसपास कहीं भी दिखाई देती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ। ठीक है साहब।
ये देखिए। नहीं निकल, हाथ मत लगा। दया, ये हरे रंग की चीज तो बिल्कुल वैसी है ना जैसे उस पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की लाश पे से मिली थी। हाँ। लेकिन सर ये हो क्या सकता? जेल जैसा कुछ है। सर, इधर कोई भाग के गया है। इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? पिछली बार भी बहुत तेजी से गायब हो गया था। है कौन ये? रजत, तुम पंकज और निखिल के साथ इस तरफ देखो, हम यहाँ देखते हैं। सर। अभिजीत, दया, श्रेया, पंकज, चारों के फोन नहीं लग रहे, और अब तो निखिल और रजत की भी। सर, हम लोग हाईवे नंबर 25 से आ रहे हैं। वहां के हर दुकान, हर ढाबे पे हमने जेनी की फोटो दिखाई, लेकिन कोई नहीं पहचानता उसे। कोई भी नहीं पहचानता? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनी ने जब हमें फोन किया तब वो चलती गाड़ी में थी किडनैपर्स के साथ, और उसने उनकी बातें सुन ली होगी कि वो लोग उसे मोती डूंगरी लेकर जा रहे हैं। जेनी के घर कौन गया है? पूर्वी गई है सर वहाँ पे। सर, जेनी की माँ का कहना है कि 2 महीने पहले आखिरी बार उनकी जेनी से फोन पे बात हुई थी। वो कॉफी शॉप से घर लौट रही थी और घर से बस 5 मिनट की दूरी पे ही थी। घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी, फिर क्या हुआ? सर, फिर वो घर लौटी नहीं। सर, उसकी माँ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की, पर कुछ फायदा ही नहीं। कमाल है सर, जेनी 2 महीने से किडनैप है, फिर भी उन्होंने पैसे वगैरह मांगने के लिए फोन तक नहीं किया। सर, उसकी माँ का तो रो के बुरा हाल है, उन्होंने तो उम्मीद ही खो दी है कि जेनी कभी वापस घर लौटेगी भी। लौटेगी, जरूर लौटेगी जेनी, अपने घर जरूर लौटेगी। हम ढूंढ कर निकालेंगे उसे। कहीं देखी? पूरा जंगल छान मारा सर, कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि खूनी उसे जंगल के बाहर लेकर गया। जंगल के कोने कोने में तो हम लोग घूम रहे हैं, न जाने मुझे क्यों लगता है कि इस जंगल में कोई खुफिया जगह है जिस पे हमारी नजर नहीं पड़ी। ओ, खुफिया जगह? कैसी खुफिया जगह सर? पता नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा राज है जंगल में जिसने श्रेया को हमारी नजरों से ओझल कर दिया है। अभिजीत, ऐसा लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया। सर, कहीं श्रेया तो नहीं? हो सकता है, देखते हैं निशान कहां ले जाते हैं हमें। श्रेया, श्रेया,
श्रेयानी है, ये तो कोई और लड़की। सर ये तो जेनी। जेनी जिसने ब्यूरो फोन किया था हमारी मदद मांगने के लिए। तुम इसे पहचानते हो? यस सर, जिस कॉफी शॉप में ये काम करती थी उसके मैनेजर ने हमें इसकी फोटो दिखाई थी। हमें पहुंचने में देर हो गई। लेकिन सर मोबाइल कंपनी से पता चला था कि इसने यहाँ जंगल से नहीं बल्कि हाईवे नंबर 25 से फोन किया था। हाँ सर, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है। मतलब हाईवे पे फोन करने के बाद खूनी से पकड़कर यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर मार डाला। तीन तीन लाशें मिल चुकी हैं, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। सर ये खूनी बहुत ही खतरनाक लगता है, अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ना जाने कितनी तबाही मचा देगा। इसके चेहरे पे भी वैसी हरी चीज है जैसे पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की बॉडी पे मिला और पेट पे मिला। अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बता पाएंगे। अब जी ये देखो, इसके चेहरे पे ये जो स्किन है कुछ अलग अजीब सा हो गया है, एक आम इंसानों जैसा नहीं। कहीं ये इस हरी चीज की वजह से तो नहीं? गॉड, श्रेया तुम ठीक हो? कहाँ चले गए? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, कहाँ नहीं मिला तुम्हें? मैं जानती हूँ आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम गई कहाँ थी, गायब कैसे हो गई थी तुम? मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली गई थी। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ी, तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। तो मैंने देखा मैं काली गुफा में थी। My God, इसका मतलब और लोगों की जान भी खतरे में है। कहाँ भी ये गुफा? सर We'll be right back.
क्या आशिया, थक गई क्या? मुझे अजीब लग रहा है सर, गुफा इस तरफ है। रुक क्यों गई? ठीक तो श्रेया? हाँ? सर मुझे याद नहीं आ रहा है हमें यहाँ से कहाँ जाना है। हाँ? एक काम करते हैं, के आसपास चारों तरफ देखते हैं। इधर तो कुछ नहीं है श्रेया, यहां पर भी कुछ नहीं है। श्रेया उस तरफ भी कुछ नहीं है। श्रेया ठीक से याद करो ना, कहां पे देखा था? श्रेया शायद उस तरफ जाना है। तारिका, तुम्हारे ऐसे बार बार फोन करने से जंगल में नेटवर्क नहीं आएगा बच्चे। लेकिन इतनी चिंता हो रही है कि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तारिका अभिजीत अकेला नहीं है जंगल में, और भी लोग हैं ना उसके साथ, दया है, रजत है, वो उसे कुछ होने देंगे क्या? यस सर, आई होप आपकी बात सच हो। मेरी बात ही सच होगी बेटा। हाँ तारिका, सरंखे की बात अक्सर सही होती है। लो अब तो एसीपी साहब ने भी मेरी बात की गारंटी दे दी तारिका, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो सर फिर इस गारंटी के बदले में लाशों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जरूर, इस बार मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज से पहले मैंने आप लोगों को कभी नहीं दी। सालू के साहब, मुझे पता है कि आप हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाले, यही ना कि इन तीनों का खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जानवर ने किया। नहीं ब्रेडी, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहने वाला। अरे तो फिर इन तीनों के शरीर पे ये खरोंच के निशान कहां से? हाँ,
ऊपर से देखने से ये जरूर लगता है कि ये खरोंच, ये काटने के निशान शायद किसी जंगली जानवर के, मगर बॉस इनकी मौत का कारण ये निशान नहीं है, बल्कि इनकी मौत का कारण है ये हरा पदार्थ जो हमें इन तीनों लाशों पर से मिला है। क्या है ये सड़क? एग्जैक्टली क्या है तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस लड़की जेनी और इसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो पता है मुझे क्या मिला? क्या सर? यही हरा पदार्थ। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है सड़ोंकी की इन लोगों के खून में ये हरे रंग की जेली इंजेक्ट की है? बिल्कुल बॉस। अरे और पता है इस जेली की वजह से इनके शरीर पर क्या असर हुआ? क्या बॉस? इन दोनों का डीएनए बदल गया। डीएनए बदल गया? सर मतलब पहले डीएनए कुछ और था और इस हरे पदार्थ के बाद डीएनए कुछ और हो गया? एग्जैक्टली पूर्वी, और इस डीएनए के बदलने की वजह से ही इन दोनों की मौत हुई है। लेकिन सर कोई किसी का डीएनए क्यों बदलना चाहेगा? ये जरूर किसी साइंटिस्ट का काम है, किसी टेढ़े दिमाग वाले साइंटिस्ट का जो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। जब से श्रेया मिली है कुछ अजीब तरीके से बिहेव नहीं कर रही। श्रेया, 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 इंसान के डीएनए के बदलने का तो पता नहीं, पर इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट का पता है। कैसे एक्सपेरिमेंट? सर आइए। ये देखिए सर, इस साइंटिस्ट का नाम अभिनव प्रकाश है। इसको अचानक ये जुनून चढ़ा कि क्यों ना ऐसा केमिकल बनाया जाए जो इंसान को जानवर बना दे। क्या? इंसान से जानवर? हाँ, सोचा कुछ ऐसे ही था, पर ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। और जब इन्होंने रिसर्च शुरू किया ना, तो इनको ये मालूम पड़ने लगा ये जो केमिकल बना रहे हैं ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इन्होंने ये रिसर्च वहीं बंद कर दिया। ओह बॉस, मुझे लगता है वो हरे पदार्थ का आविष्कार किसी साइंटिस्ट ने किया है, इस अभिनव प्रकाश ने। हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जिन मौतों के बारे में मुझे बताया है उसके जिम्मेदार अभिनव प्रकाश नहीं हो सकते। क्यों? वो क्यों जिम्मेदार नहीं? अब 2 महीना पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। अच्छा, क्या वो इस रिसर्च पर अकेले ही काम कर रहे थे या उनका कोई एसोसिएट भी था? मेरा मतलब है कोई असिस्टेंट वगैरह? नहीं, उनका कोई असिस्टेंट नहीं था। अगर कोई होता तो मेरे रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होता। एड्रेस तो होगा ना अभिनव प्रकाश का आपके पास? अभी देता हूं। अभिनव प्रकाश, जरूर अभिनव प्रकाश ने अपनी रिसर्च की नोट्स घर पर रखे होंगे।
मुझे कुछ भी करके उस एक्सपेरिमेंट के नोट्स चाहिए ताकि मैं उसका एंटीडोट बना सकूं और अभिजीत और सारे ऑफिसर्स को खतरे से बचा सकूं। ये तो बिल्ली थी। थैंक गॉड। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। अभिनव प्रकाश जी का करिए। जी हाँ, लेकिन उनका तो देहांत हो चुका है। हमें पता है। उनका कोई परिवार वाला या बीवी बच्चे? दरअसल अभिनव जी ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को समर्पित कर दी थी। उन्हें लगता था कि अगर वो शादी कर लेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ऐसी इसका मतलब साइंस को लेके काफी जुनून था उनके अंदर। जुनून छोटा शब्द है साहब, यूं समझिए कि साइंस ही उनकी जिंदगी थी, उसी की सांस लेते थे। काफी अच्छी की थी उनकी साइंस के साथ। हमें यहाँ पे कुछ छानबीन करनी है, आप चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं। जी जरूर। ये प्रकाश जी अपने जरूरी कागजात और फाइल्स वगैरह कहाँ पे रखते थे? उस कमरे में। ठीक है, आइए। इस तरफ। एक बार वो फाइल मिल जाए तो उस केमिकल के एंटीडोट तक भी पहुंच जाएंगे हम। यहां तो कुछ नहीं मिला। यहां भी कुछ नहीं। साहब, जो कुछ भी है इसी कमरे में है। एक और कमरा है उस तरफ, वो भी देख लीजिए।
चलिए था। ठीक है, थैंक्स। ठीक है साहब। हाँ हाँ ठीक है। मिली श्रेया? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा उसे, पता नहीं किस चीज का असर हो गया उस पे। सर, श्रेया! श्रेया? श्रेया? कहां गई थी तू? श्रेया? नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये किसी तरीके का कोई जीव है। नहीं रजत, गोली मत चला। आत्मा का जवान है, इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। जाओ। यार आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? ना घर पे पहुंची है, ना फोन उठा रही है। कोई ना कोई गड़बड़ है। तारिका बिना बताए कहीं जाती नहीं है यार। यार कुछ तो बताया होगा सारू की बातों में, कुछ तो बताया होगा। साइंस लैब से बाहर निकलने के बाद कहां जाने वाली थी? कुछ नहीं बताया यार, कुछ भी तो नहीं बताया। मुझे लगा थकी हुई है, घर जाकर के आराम करेगी, लेकिन घर पे पता किया पहुंची नहीं है यार। घर पे तो वो पूर्वी, तारिका के दोस्तों को जानती हो? हाँ सर, तारिका के दो दोस्तों को मैं जानती हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि तारिका गई कहाँ। ये तारिका कहीं अभिजीत को बचाने के चक्कर में मोती डूंगरी के जंगल में तो नहीं चली गई यार? नहीं सारंग, नहीं, तारिका ऐसा पागलपन कभी नहीं करेगी। सर, हम अभिनव प्रकाश के घर से आ रहे हैं सर। तो बिल्कुल कुछ नोट्स मिले उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में? नहीं सर, घर का एक एक कोना छान मारा, हर फाइल हर पेपर पढ़ डाले सर, लेकिन इंसान को जानवर बनाने वाला फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लिखा है सर। कैसे सचिन, कैसे कैसे? कुछ भी नहीं मिला। अरे वीरेंद्र ने तो बताया था ना कि हमारे देश में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है, ये अभिनव प्रकाश, जो इस खतरनाक केमिकल पर काम कर रहा है। कैसे कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? सर इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ, ये अभिनव तो अकेला ही काम करता था, तो फिर उसके नोट कौन लेके जा सकता है? सर अगर घर में चोरी हुई तो बात अलग है। या फिर सर अपनी मौत से पहले अभिनव ने वो नोट्स नष्ट कर दिए होंगे, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये नोट्स किसी गलत आदमी के हाथ में लग गए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। गलत हाथों तो लग गए फ्रेडी, वो नोट्स गलत हाथों लग गए और इसीलिए तो मौत का खतरनाक खेल शुरू हुआ है। सरुंखे, अब तू ही कर सकता है कुछ, इस जहर का एंटीडोट बना दे। मैं? हाँ हाँ, तू बना दे जहर का एंटीडोट। लेकिन बॉस, मुझे इस जहर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसमें क्या केमिकल्स हैं, कितनी मात्रा में, आई डोंट नो। मुझे भी कुछ मालूम नहीं सरुंखे, लेकिन कुछ भी कर, बना दे इस जहर का एंटीडोट। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई है जो इस जहर का एंटीडोट बनाएगा तो तू ही है। देख सारोंगे, सैकड़ों लोगों की जिंदगी तेरे हाथों में है, बनाते। यार प्रतिबंध, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हो तुम मुझ पर। अगर अगर इस एंटीडोट का कोई गलत असर हो गया तो क्या होगा सारोंगे? क्या होगा? वही होगा ना
वही होगा जो होने वाला है, तो होने दे, देखा जाएगा। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, बस सिर्फ एक तिनके का सहारा। बना दे जहर का एंटीडोट सड़ूंगे, बना दे जहर का एंटीडोट। सर प्लीज प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर, अगर थोड़ी देर और हम यहां रहे तो इनकी तरह हो जाएंगे। अब लगता है बहुत जल्द मैं कामयाबी के उस शिखर तक पहुंच जाऊंगा जहां चढ़ने के सपने मैं इतने समय से देख रहा हूं। शेर क्या कर रहे हो तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? शेर खुला चुप। बहुत जल्द तुम सब लोग आजाद हो जाओगे इंसानी जिंदगी से। मेरी हरी सेना के सिपाहियों, चलो दिखाओ इन्हें अपनी नई ताकत की नई पेशकश। रस्सी खोलो श्रेया, क्या कर रही हो श्रेया? हमें खोलो श्रेया, श्रेया। सर ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। श्रेया 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 होश में आओ। श्रेया क्या कर रहे थे? बस बाल हो गया, वापस अपनी जगह पर। सारंगे, तुमने तारिका के घर वालों से बातचीत की? पूछा उनसे कहाँ जा सकती हो? नहीं यार, उन लोगों के बेचारों को कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना फोन ट्राई कर रहे हैं, तारिका का फोन लग ही नहीं रहा, और हम भी कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, मिल ही नहीं रही हो यार। यार सारंगे, मुझे एक ही बात की चिंता है, कहीं उस पागल साइंटिस्ट ने अपने उस केमिकल का एक्सपेरिमेंट हमारे ऑफिसर्स पे ना किया हो। अब तो जो एंटीडोट मैंने बनाया उस जहर का, वो काम कर जाए बस। देखते हैं। ये तो हमारी सीआईडी की गाड़ियां हैं। ये है मोती डूंगरी का जंगल। अंखे चल देखते हैं अंदर। अभिजीत ना, अभिजीत रंजन, अभिजीत श्रेया,
अभिजीत पंकज दया अभिजीत दया अभिजीत क्या हुआ? कोई तो था सड़के, कोई तो है हमारे पीछे। जंगल में तारिका जवाब क्यों नहीं दे रही? बस बस इसे कुछ हो गया है। तारिका 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 मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं सालू के तुम्हारा सालू के सर तारिका तारिका की आंखों को क्या हो गया? इसकी आंखें तो बिल्कुल जानवर जैसी हरी पीली हो गई है। बस मुझे लगता है इस पर भी उसी जहर का इस्तेमाल किया गया है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहर का इस्तेमाल हमारे बाकी बाकी ऑफिसर्स पे भी किया हो? सड़के तो बस इस एंटीडोट पर ही सारे उम्मीदें हैं। सड़के जल्दी लगा दे एंटीडोट। ये क्या किया तुमने तारिका? वो क्या गया तुम्हें? आजा। ठीक है तू? हाँ बस मैं ठीक हूं, लेकिन ये साइंटिस्ट एकदम पागल हो गया है। अब ये जिस जिस को ये इंजेक्शन दे रहा है वो जानवरों की तरह से बिहेव कर रहा है। दिमाग कम ताकत ज्यादा। तारिका को जल्दी से एंटीडोट का इंजेक्शन दे दे, दे दे इंजेक्शन जल्दी। लेकिन बॉस वो एंटीडोट का इंजेक्शन तो कहीं गिर गया। इंजेक्शन गिर गया? देख आसपास देख, मैं भी ढूंढता हूं। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? मैं एक साइंटिस्ट हूं, मेरा नाम है अभिनव प्रकाश। मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था अपनी मंजिल को पाने के लिए। और क्या है तुम्हारी मंजिल? मेरी मंजिल क्या है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, सिर्फ तुम लोगों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। बहुत जल्द तुम सबको इन जीवों की तरह बना दूंगा। कितने अच्छे हैं ये, कितने खूबसूरत। इनकी इनकी हरी आंखें देखो, इंसानी आंखों से कितनी अच्छी है। इनकी इनकी शरीर की ऊर्जा
ताकत देखो, इंसानों के नाजुक शरीर से कितनी बेहतर है। तो फिर क्या फायदा इंसानी जिंदगी जी के? ऐसे क्यों ना बन जाएं? हाँ? बंद करो ये पागलपन। न जाने कैसे कैसे केमिकल देके ये हाल बना रखा है इन लोगों का। साइंस के नाम पे बेगुनाह लोगों की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अरे रे 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 अभिजीत, तुम बेवजह नाराज हो रहे हो। जरा सोचो सोचो सोचो, अगर हमारी सीआईडी इतनी शक्तिशाली हो गई तो समाज में कोई भी मुजरिम गुनाह करने से पहले डरेगा। ये दया जो आज तक सिर्फ दरवाजे तोड़ता है, ऐसा बनने के बाद दीवारें पहाड़ न जाने क्या क्या तोड़ेगा। हाँ? पूछो पूछो श्रेया से, कितनी खुश है ये अपनी नई पहचान से, नई जिंदगी से। पूछो। हाँ? ये ले सारुंग। सारुंग है? अरिका? सारुंग है? तारिका देखो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तारिका तुम मेरी एक बात मान लो। तारिका देखो, मैंने जो एंटीडोट का इंजेक्शन तैयार किया है तारिका, वो तुम लगवा लो। तारिका 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 इंजेक्शन कैसा इंजेक्शन? तारिका तुम एक फॉरेंसिक डॉक्टर हो, याद है? मैं भी एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ। तुम यहाँ पर अभिजीत वगैरह को ढूंढने आई थी ना? हाँ, याद है कुछ? हाँ, कुछ कुछ। वेरी गुड तारिका, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एंटीडोट तैयार कर लिया है। हमारे बाकी के ऑफिसर्स कहाँ हैं? याद आ रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तारिका, नो प्रॉब्लम, हम उन्हें मिलकर के ढूंढ लेंगे। हाँ देखो, किसी भी प्रद्युम्न भी हमारे साथ है तारिका, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। हेलो, तू मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। छोड़ो तारिका, तारिका छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझसे बचना इतना आसान नहीं। तारिका छोड़ो, छोड़ो तारिका, समझो बाप, तारिका ओह गॉड, लगता है ये केमिकल तो ऑन ऑफ बटन की तरह से काम करता है, थोड़ी देर ठीक हो जाती है फिर वापस से वैसी हो जाती है। तारिका छोड़ो, तारिका के अंदर चली गई सारंगी को लेकर, घुसकर देखना पड़ेगा ऐसा क्या खतरनाक राज छुपा है इस गुफा के अंदर। तारिका, तारिका ये क्या कर रही है तुम? होश में आओ तारिका, होश में आओ तारिका, होश में आओ। Thank you.
ये तो सिर्फ शुरुआत है अभिजीत। देखते जाओ मैं कैसे एक एक इंसान को हरा दानव बना देता हूं। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ वैसे ही खेलूंगा जैसे एक बच्चा अपने नापसंद खिलौनों के साथ खेलता है। तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, फिर उठा के फेंक दूंगा। तेरे दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है, सोचने की क्षमता खो चुका तू। सामने पापू, सोचने का काम तुम मुझ पे छोड़ दे दया। तू बस तमाशा देख। तारिका बांध दो साड़ के को। तारिका क्या कर रही हो? तारिका तुम तारिका क्या कर रही हो तुम तारिका तारिका नहीं छोड़ो ने तारिका क्या कर रही हो? तारिका क्या कर रही हो तुम? सरुण के ही होगा हमारी फौज का नया सिपाही। तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब हमारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए। अभिनव मत करो ऐसा ये पागलपन। तुम्हें इन मासूम लोगों को दाना बना करके क्या मिलेगा? ना, मैं चाहता हूं कि बच्चे बच्चे की जबान पर मेरा नाम। नहीं छोड़ो ने। गुड बाय सरुंके। गुड बाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डरो मत, मरा नहीं, सिर्फ बेहोश है। और जब ये जागेगा तो नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ जागेगा। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। फिर देख तुझे और तेरे इस दानव सेना को जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम तया नहीं। हो गया तेरा खेल समझे?
शेर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, चाहे कितने भी काबिल हो डॉक्टर सलूम के, पर मेरे जहर का एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, इनका एंटीडोट काम नहीं करेगा। या तो ये लोग मर जाएंगे या वापस सिर्फ दानवों की तरह उठेंगे। कहा था ना मैंने, कोई एंटीडोट काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तुम सीआईडी वालों ने इनकी चिता खुद सजाई है। बिल्कुल सही पहचाना, अच्छा खासा प्लान था मेरा कि पहले दुनिया के सामने अपने आप को मरा घोषित करूंगा ताकि मेरी रिसर्च में कोई रुकावट न डाल सके, और फिर जब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा, हाँ नाम हो जाएगा, तुम्हारा जरूर नाम हो जाएगा, जरूर नाम हो जाएगा, मगर एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, एक मुजरिम की तरह। लेकिन उससे पहले तुम्हें मानसिक चिकित्सालय भेजा जाएगा तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाने के लिए। ले जाओ इसे। I'm really sorry, sir. मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने आप पे हमला किया, आप पे हाथ उठाया, पता नहीं उस केमिकल ने मुझे क्या बना दिया था। अब तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने जो कुछ भी किया उस हरे रंग के केमिकल की वजह से किया। मुझे भी सालों के सर से सॉरी कहना चाहिए। I hope मैंने उनके साथ ज्यादा बदतमीजी ना की हो। अच्छा, सालों के साहब को सॉरी, पर मेरा क्या, मुक्के मार मार के मेरी पतली तोड़ दिया क्या? मैंने तुमको भी श्रेया, वैसे आपने हम सब पर हमला किया और सॉरी सिर्फ दया सर, हमें भी बोल दो। I'm sorry sir। चलो चलो जल्दी करो, और भी काम पड़ा है।